एक्चुअली आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँगा, इसलिए किसी की भी कॉल आए प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ठीक है? सर अगर आपके घर से भी फोन आए तो? तो उन्हें मना कर देना, कुछ कह देना, कह देना कि मैं किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में बाहर निकला हूँ, ठीक है? लाइफ होके रह गई है, सुनी सुनी सी काइंड ऑफ, ऐसे लगता है कि मैं मर गई यार, मैं थक चुकी हूँ। अपनी बोरियत दूर करने के लिए मैंने बात से कहा कि मैं गाना सीखना शुरू कर देती हूँ। इट इज लाइक नो नो स्वीटी प्लीज तुम गाना मत सीखना, अगर तुम गाना सीखोगी तो लोग तुम्हें मिरासी पता नहीं क्या क्या नामों से पुकारेंगे। तुम खुद देखो इबाद की क्वालिफिकेशन कितनी ज़्यादा है, उसके बावजूद उसकी थिंकिंग कंजर्वेटिव हो गई है। I don't know why. काश मेरी जिंदगी में एक बच्चा ही होता तो कम से कम मेरी लाइफ तो सुकून से गुजरती। बट एनीवेज अच्छा लिसन सादफ, राइट नाउ मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल मेरी लाइफ की तरह डाउन होती जा रही है। हेलो जी, मैं श्रद्धा बोल रही हूँ जी। जी वो बेगम साहब है ना, बेगम साहब जी वो सीढ़ियों से गिर गई है, उन्हें बड़ी चोटें आई हैं। क्या मुश्किल है कि वो बच सके? मैं आ रहा हूँ। CLI नहीं है हाँ, तो बस नंबर तो आ ही क्या होगा, फिर मुझसे नंबर क्या पूछते हो? क्यों तुम्हारे पास फोन बुक नहीं है? फिर कैसी लगी? क्या जी नहीं, इतनी घटिया इंग्लिश मूवीज में बिल्कुल भी नहीं देखती, तुम्हारी इतनी बुरी चॉइस है। बहुत बुरा टेस्ट है तुम्हारा, मुझे तुम जैसे बोर इंसान से कोई बात नहीं। इमरा आर यू ओके? बोलो तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ? शादा वो जो हमारी काम वाली उसका फोन आया था कि ओके तो तुम हमारे नौकरों से भी बातें करते हो, इन नौकरानियों से? कम ऑन इमरा, डोंट बी सो सिली। कहाँ है वो काम वाली? क्यों भाई उसका फोन आया था मुझे, वो बता रही थी कि तुम सीनियर से गिर गई हो, तुम्हें चोट लग गई है। इमरा ये रोज रोज का बचपना डजंट लुक वेरी नाइस। क्यों चिढ़ने लगे हो मुझसे? पहले तो तुम अरे नहीं नहीं पागल ऐसी बात नहीं है। देखो एक काम करते हैं, क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी डैडी के घर भेज दूँ कुछ दिनों के लिए। देखो इमरा मैं आजकल ऑफिस में बहुत फंसा हुआ हूँ, काम का इतना बोझ है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो तुम
अपने बिजनेस को इतना? किसके लिए? ऐसा करो, ऐसा करो, आई हैव अनदर ऑप्शन, ऐसा करो तुम फेलो लोगों को ज्वाइन कर लो, दे आर रियली नाइस पीपल, मतलब ग्रेट कंपनी, यू नो दे डू अ लॉट ऑफ गुड पार्टीज, कम ऑन, बेस्ट ऑफ वेदर, ओके, शी इज अ बिच, ओके ओके, फिलहाल मुझे गालियां क्यों दे रही हो उसको. अच्छा फिर ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, ऐसा करते हैं, हाँ ऐसा करते हैं कि बल्कि 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 काम करो, सोशल वर्क कर लो. पता है इससे दो काम होंगे, एक तो इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगी और दूसरा पब्लिसिटी भी होती रहेगी. कैसा? ये बात प्लीज, मैं जैसी हूँ ना मुझे वैसे रहने दो, मुझे आर्टिफिशियल एडवाइजेस मत करो प्लीज. लेकिन मेरी जान तुम ये सोचो, अगर रोज रोज तुम ऑफिस से मुझे फोन करके इस तरह बुलाती रही तो मेरा कितना नुकसान होगा. क्या छोटे लायर, मैंने कब फोन किया तुम्हें? कोई नहीं किया मेरे फोन. तो क्या मैं नहीं जानता कि शादा की आवाज मेरी बेबी ने निकाली है? हैं बड़ी चीज है तुम. पता है रास्ते में मुझे याद आया कि शादा तो अभी कल ही मुझे छुट्टी लेकर गई है. पर्ची पे पता लिखा है इबाद साहब इधर ही रहता है. क्या काम है तुमको साहब से? हम सलमान गुल है, हमारा चाचा अनायत गुल यहाँ काम करता था साहब के पास. उसने गांव से बात किया था साहब से, साहब बोला है कि इसको कराची भेज दो, हमको साहब से मिलना है. साहब घर पर नहीं, शाम को आएगा. मीम साहब होगा, मीम साहब को बताओ, मीम साहब बहुत अच्छी तरह जानता है हमारे चाचा को. बेगम साहब भी घर पर नहीं, तुम जाओ शाम को आना. तुम्हारा क्या मतलब है, अभी अभी शाम तक हम यही दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा? पूरा डेढ़ दिन का सफर किया हमने बस से, जालिम का बच्चा कुछ पानी का पूछो, कोई खाने का पूछो. अस्सलाम वालेकुम. क्या मुसीबत है? हाँ ये क्या शोर मचा के रखा है तुम लोगों ने गेट पे? और ये कौन है लड़का? आप तो जानता है बेगम साहब, आपका पुराना ड्राइवर है अनायत गुल, उसका भतीजा है हम, इसलिए आपको ड्राइवरी सिखाया था. ओह अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हुआ है अनायत गुल को? उसकी बीवी की तबीयत बहुत खराब थी जब वो यहाँ से गया था. चाची को फौत हुए तो 2 साल हो गया, चाचा ने बात किया था साहब से कि इसको ड्राइवरी के लिए रख लो, तो साहब ने बोला इसको कराची भेज दो मेरे पास. अच्छा सुनो, अशरफ से कहो उसे सेवन क्वार्टर में लेके जाए, कुछ खाना वाना खिलाए, बेचारा बहुत थका हुआ लग रहा है. बेगम साहब डेढ़ दिन बस का सफर किया है और ये खाना खराब का बच्चा बोलता है कि तुम यहाँ शाम तक इंतजार करो साहब का. नहीं नहीं तुम आराम से इसके साथ जाओ, पंखे में बैठो, ठीक है, रेस्ट करो थोड़ा. ओके देखो बेगम साहब ने कितना इज्जत किया हमारा, अभी साहब आएगा तो वो इससे भी ज्यादा इज्जत करेगा. शुक्र है मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र. कुछ चीनी मिलेगा खाने को? वो किस लिए खान? बड़ा हमारे गांव में हमारा अम्मा हमें खाने के बाद शक्कर या गुड़ देता है, और वैसे भी सुन्नत है रसूल है ये खाने के बाद मीठा खाना. अच्छा मैं लाता हूँ. ओ मड़ा ये ट्रे भी ले जाओ. सालिम का बच्चा पता नहीं कैसा कैसा तस्वीर लगाया यहाँ पे.
निकल जाएगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते बाप के घर वाले, अल्लाह इतनी अजीब हरकतें करते हैं। तुम उनको तो जानती हो ना, अपनी डॉली बाजी को। अरे इबाद की जो बड़ी बहन है वो, उफ क्या बताऊँ अल्लाह, वो टीजो नहीं है, उसकी पार्टी में जाके इतने बड़े बड़े लो नेक पहन के वो उनका जो हस्बैंड नहीं है उसके फ्रेंड के साथ उसकी बाहों में लौट रही थी। उफ यार उनको ज़रा शर्म नहीं, इतनी चीप हरकतें कर, बहुत चीप हरकतें करती है। शी इज़ अ बिग चीपस्टर। तुझे कोई अच्छा भी लगता है क्या? तो है ना मेरी क्यूटी क्यूटी बेबी। यार कैसे समझाऊं निमरा, इस तरह कब तक चलेगा? क्या मतलब? यूं अकेले जिंदगी गुजारना तो, इबाद का तो अपना बिजनेस है। ठीक है अगर कोई बेबी नहीं है तो किसी का बेबी अडॉप्ट कर लो। यार यही तो मुझसे नहीं होता। इबाद बेचारा मुझे कितनी बार कह चुका है मगर मेरा दिल ही नहीं मानता। एक्चुअली औलाद और वालदैन अपने ही अच्छे लगते हैं, बस तू नहीं समझेगी। एडॉप्ट नहीं कर सकती हो तो कोई और तरीका आजमा लो। अगर अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजना होगा ना तो वो नवाज ही देगा। मैं ये सीधे तरीके से ये सब हो जाए तो अच्छा, वरना मुझे कोई उल्टे सीधे रास्ते नहीं अपनाने। और सुन, तुझे मुझे कह रही थी ना कि ये बाबा के पास चली जाऊँ और ये कर लूँ वो कर लूँ, वो मुझे पढ़ के फूकेगा तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी। यार ये बकवास मेरे साथ मत क्या करो, उल्टे पुल्टे आइडियाज देने के लिए तुम बेस्ट हो। हाँ सॉरी, प्लीज मुझे कुछ अच्छी एडवाइस ही कर दिया करो। या अच्छा मुझे कुछ काम है, मैं करके मिस फिजिंग से दोबारा बात करती हूँ। ठीक है, आई एम कॉलिंग यू बैक। ओके बेबी बाय। सलाम सेफ, आपने हमको बुलाया। वालेकुम सलाम। हाँ यार गुल से मेरी बात हो गई है, तुमने अच्छा किया तुम जल्दी आ गए हो। अच्छा ये बताओ काम तो अच्छा जानते हो ना सेफ, आप ट्राई लेके देख लो। हाँ वो भी ले लेंगे। और सुनो तुम किसी किस्म का नशा तो नहीं करते? नहीं सब, कैसा बात बोलते हैं आप, नशा करने वाला तो खंजीर का औलाद होता है, हम तो चाय नहीं पीता। हाँ महीने में कभी एक आध बार नस्वार का चुटकी लेता है, सिर्फ एक आध बार। तो फिर ऐसा करते हैं कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें छोटे मोटे कामों के लिए यहाँ रख लेते हैं, बाद में फिर देखा जाएगा, क्या ख्याल है? नहीं साहब आप परेशान मत, हम पेशावर में एक ब्रिगेडियर के घर पे गाड़ी चलाता था और ऐसा गाड़ी चलाता था वो हमसे बहुत खुश था। अभी हम यहाँ कराची आ गए, अब आप देखिएगा हम कैसा गाड़ी चलाता है, जैसे घोड़े की माँ। चलो देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल तुम घर पर ही रहोगे, 24 घंटे की ड्यूटी है। हम ठीक है सर, जैसा आपकी मर्जी। देखो सलमान गुल, मैं तुम्हारे चचा इनायतुल की बहुत इज्जत करता हूँ, वो बहुत पुराना ड्राइवर था इस घर का, पहले वो मेरे वालिद का ड्राइवर था फिर मेरा ड्राइवर बना, बहुत ईमानदार और वफादार आदमी है, मैं उसे बहुत एतबार करता हूँ। तुम भी कोशिश करना कि उस एतबार को टूटने मत देना जिसकी वजह से तुम इस घर में हो। साहब हम अपने चचा की तरह आपके लिए वफादार साबित होगा। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो कि अपने क्वार्टर में जाकर आराम करो, कल तुम्हें अशरफ सारी ड्यूटी समझा देगा। ये बताओ कि बेगम से मुलाकात हुई थी? जी सर दोपहर में हुआ था, बहुत अच्छे दिल का आदमी है वो, हमारे चाचा को भी जानता है। सर हमारे चाचा बिल्कुल सही बोलता था आप लोगों के बारे में, आप बहुत अच्छा लोग हैं, बेगम साहब भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे। सलांगुल तुम्हारा चाचा एक बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए इस घर को अपना घर समझो। ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे फ़ौरन बताओ। सदाब? हाँ निमरा। हाँ सुन, अब वो इबाद का फोन आ गया है, वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे घर जाना है, मैं फिर तेरे पास आती हूँ। ठीक है मैं निकल रही हूँ, खुदा हाफिज़। कहाँ जा रही हूँ, रुको मैं आ रही हूँ। हाय हाय, क्या बात है, नाराज नाराज लग रही है मुझे। यू एंग्री?
Why? Maybe इसलिए कि तुम्हें ज़्यादा कुछ वक्त नहीं दे पाता। देखो ना ब्रा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ अपने बिजनेस के लिए, ये सब किस लिए है, किसके लिए है? तुम्हारे लिए तो करता हूँ सब कुछ। और वैसे भी जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो साफ साफ क्यों नहीं कह देते हो, हाँ, कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे बिजनेस के लिए टाइम है, ऑफिस के लिए टाइम है, मुझे छोड़ के। Am I right? Yeah. I'm right actually. ऐसी बात नहीं है निम्रा, ऐसी बात नहीं है। देखो, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो, उसके बाद बिजनेस। नहीं, नहीं कर सकती मैं यकीन बात तुम्हारा। पता है Actually, तुम बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हो। तुम मोहब्बत तभी करते हो जब तुम्हारे पास मोहब्बत करने का टाइम होता है। और मैं इबाद, मैं अपने ड्रीम्स में उलझी हुई औरत हूं। मैं सिर्फ तुम्हारी जिंदगी अजाब करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। Come on, darling. ऐसी बातें क्यों करती हो? ऐसी मायूसी क्यों? क्योंकि मैं बहुत अजीब सी हो गई हूँ ये बात। तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं आजकल लोगों को किस किस तरह से चीट कर रही हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते। तुम किसी को चीट करो? Impossible. मैं नहीं मानता। बात आप भी यकीन क्यों नहीं कर लेते हो? मैं सच कह रही हूँ बाबा। ओके, कम, आई शो यू। मैं अभी तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। कम हियर, इबाद, कम। सी, दिस इज स्पून। ये मैंने याहू रेस्टोरेंट से चोरी किया है। और ये डेकोरेशन पीस, ये मैंने सदफ के घर से चोरी किया है। और ये परफ्यूम्स, यू नो, ये परफ्यूम्स मैंने यामी से चोरी किए। और तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करते हो? मजाक अच्छा कर लेती हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। और तुम हर बात को मेरी सीरियस नहीं ले रहे हो। मैं जो बोल रही हूँ तुम उस बात को सीरियस नहीं ले रहे हो। मैं थक गई हूँ इबाद एक जैसी जिंदगी गुजारते गुजारते। तुम औरत नहीं हो ना, इसलिए तुम नहीं समझ सकते। You can't understand. देखो नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस वक्त एक जबरदस्त मेंटल क्राइसिस का शिकार हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने थ्रिल के लिए चोरियां करती फिरो। दिस इज नॉट राइट मेरी जान। देखो एक काम करते हैं, यहाँ डिफेंस में एक बहुत बड़े आलिम है, नौजवान आदमी है, आजकल बड़ा क्रेज है उनका, दीन पर लेक्चर देते हैं, कि घर के सामने गाड़ियों की लाइनें लगी होती हैं, बड़े बड़े कंपनीज के एमडीज वहां पर आते हैं उनके पास। शर्म करो ये बात, तुमने मजहब को भी गाड़ियों की लाइनों और गंजे बुड्ढे एमडीज को देखकर मानना शुरू कर दिया है। नहीं जाऊंगी मैं वहां, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। बल्कि कल तो मुझे कुछ और मजीद चोरियां करने जाना है। कम ऑन निम्रा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो डार्लिंग? कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें। मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ दिनों से तुम कुछ ज्यादा ही बिखरी बिखरी हो। मेरा ख्याल है कि कल मैं डॉक्टर इफ्तिखार लोधी से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लूँ, बड़े गजब के साइकियाट्रिस्ट हैं। तुम चले जाओ, प्लीज जाओ। मैं जा रहा हूँ, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स।
इबाद, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। सॉरी, इस वक्त तो मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग में हूँ, मैं नहीं आ सकूँगा। तो मेरे लिए एक दिन सब काम छोड़ के जल्दी नहीं आ सकते हो? नहीं, वो एक्चुअली कल मैं बाजार गया था, बड़ी खूबसूरत चीज़ें खरीदी तुम्हारे लिए, लेकिन वो गलती से गाड़ी की डिग्गी में रह गई। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी शॉपिंग वॉपिंग, समझे तुम? ओके। शेड्स तो दिख रही है, ये तो बहुत चीप कलर्स हैं। कुछ अच्छे कलर्स दिखाइए। ये देख ले मेरे को। अच्छा, वो परफ्यूम दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरा है। कोई दूसरा वाला, वो नहीं, वो वाला। अभी लेना नहीं है, कुछ और लेने आई थी एक्चुअली। मैंने कहा कलर्स देखते हैं कुछ लिप के, कोई अच्छे शेड्स आए एक्चुअली। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं आपका बैग चेक कर सकता हूँ? क्या? मैं आपको शीशे से देख रहा था, आपने कुछ चीज़ें डाली अपने पर्स में। व्हाट डू यू मीन? हाँ, गार्ड। आर यू कॉलिंग गार्ड? हे यू, वेयर इज योर मैनेजर? कॉल योर मैनेजर? तुम्हारे वहाँ कस्टमर्स आते हैं तो तुम उनको चोरों की तरह ट्रीट करते हो? ये बाहर नहीं जाएं। ओके।
फहीम पुलिस को बुलाओ। How dare you? हाँ तुम पुलिस को कॉल करोगे? तुम समझते हो कि मैंने that cheap lipstick चोरी की है? Let me go right now. मैं आप लोगों से बाद में निपट लूंगी, okay? हाँ निम्रा बोलो। मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रही हूँ। क्या? Come on निम्रा, प्लीज मेरी जान, अब सीरियस हो जाओ। कब तक मजाक करती रहोगे इस तरह बच्चों से? What? अच्छा कराओ बात है। ये बात करो। मैं इंस्पेक्टर रिजवान बात कर रहा हूँ पुलिस स्टेशन से। जी हाँ। इबाद, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ? तुम्हें नहीं पता मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? देखो, देखो ऐसे रिएक्ट मत करो कि मेरे दिमाग की रगें फट जाएं, समझी? क्यों? अभी तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आखिर मसला क्या है? देखो निम्रा, मेरे पास एक हल है। क्यों ना हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लें? और क्यों ना मैं एक हस्बैंड अडॉप्ट कर लूं? निम्रा आखिर इतनी नफरत इतनी बेगानगी क्यों है? इबाद, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में अब कुछ भी नहीं बचा। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो कुछ भी नहीं बचेगा। निम्रा मुझे तुम्हारा मायूस होना समझ में आता है, मगर ये चोरियां, शुक्र है किसी को पता नहीं चला, वरना कितनी बदनामी होती। एक बात बताओ, क्या तुम अब भी मुझसे उतनी मोहब्बत करते हो? मैं अब भी तुम्हारा स्लेव हूँ, तुम पर मरता हूँ और तुम्हें देखकर जीता हूँ। मत बोला करो इतने झूठ, तुम्हें वोमिट नहीं होती? हाँ तुम्हें पता है पागल लड़की, कल हमारी एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी या बरसी है मेरी? निम्रा फजूल बातें मत करो। बात, या तो मैं पागल हो जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगी, और मेरी मौत के पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ होगा, सिर्फ तुम्हारा, और ये मैं लिख कर जाऊंगी। सलाम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया था? ये तुम सारे पठान औरत के सामने अपनी आंखें क्यों नीचे कर लेते हो? बेगम साहब, पठान औरत का बहुत इज्जत करता है। अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई है? आई मीन, पठानों में तो बहुत जल्दी शादी हो जाती है ना? बेगम साहब, हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमको कौन देगा लड़की? यानी अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम शादी कर लेते? हमारे गांव का मौली बोलता है कि शादी हर बालिग पे फर्ज है। तो क्या तुम बालिग हो गए हो? क्यों आप हमारा मजाक उड़ाता है? खैर, तुम खड़े क्यों? बैठो। देखो, मैं अपनी गाड़ी खुद ही चलाना पसंद करती हूँ, मगर आई डोंट नो व्हाई कि मुझे तुम्हारी ड्राइविंग बहुत पसंद है। ये चाबी रखो। बेगम साहब, सचमुच आपको हमारा ड्राइवरी अच्छा लगा? सचमुच बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे पास कपड़े वगैरह तो है ना? हाँ है ना, पूरा 3 शलवार सूट है। वो जुमा वाला दिन जो हमने पहना था, वो हमें पेशावर वाले ब्रिगेडियर साहब ने दिया। सुनो, मैं अशरफ को पैसे दे दूंगी, उसके साथ जाके अच्छे अच्छे कपड़े ले आना, ठीक है? बहुत बहुत मेहरबानी बेगम साहब, हमको तो खामखा कराची से डरा दिया था। कराची का लोग तो बहुत अच्छा है,
अब हम जाए जा। हाय निम्रा, हाउ आर यू? फाइन। कितने दिन बाद आई हो सदा? कम सिट। लिया रखा है? माय गॉड ही इज सो हैंडसम। तुम्हारी ना हर लड़के पे लाल टपक जाते। सिर्फ जवान तो नहीं है ना यार, बहुत ज्यादा हैंडसम है। तुम देखना, मैं टीपू को बताऊंगी कि तुम्हारी बीवी हाथ से निकल रही है। यार ये क्या बात हुई कि मर्द तो हर खूबसूरत औरत के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाता फिरता है और औरत के ऊपर ही सारी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। इतनी सख्तियों के बावजूद भी तुमने टीपू से छुपा के कितनी दोस्तियां पाली हुई हैं। ये तो छोटे मोटे अफेयर्स थे, टीपू तो मेरा हस्बैंड है, उसे छोड़ के कहां मैं जाऊंगी। तुम सुनाओ अपनी, ये खान कहां रखा, कैसे रखा? देखो, इबाद लोगों का खानदानी एक ड्राइवर था, इनायत अली खान, उन्हीं का भतीजा है। बस आया था बेचारा नौकरी मांगने के लिए, मैंने देखा शरीफ है, मैंने रख लिया। है तो थोड़ा कुछ जंगली जंगली, मगर उसमें कोई बात है। तुम पागल तो नहीं हो गए सदफ? तुम उससे इतना इंस्पायर क्यों हो रही हो? यार निम्रा, टीपू से मेरी 2 महीने से ठीक तरह से बात भी नहीं हो पाती है। और ये मर्द क्यों नहीं समझते कि औरत की लग्जरीज के अलावा और भी नीड्स होती हैं। एनीवे, मैं तो तुम्हें इनवाइट करने आई थी कि वीकेंड पे छोटी सी पार्टी रखी है। आमना की बेटी इंडिया से कथक सीख कर आई है, उसकी छोटी सी परफॉर्मेंस रखी है। नहीं बाबा, मुझे तो वोमिट से फील होता है क्लासिकल डांस देखते हुए। सॉरी, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ अलबत्ता तुम इबाद को जरूर बोल देना, उसे बड़ा शौक है ये कथक डांस देखने का। ओके? और हाँ सुनो, मैंने डोली आपा को भी कह दिया है। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, सॉरी। अरे यार, शादी के शुरू के 2-2.5 साल में और सदा लैला मजनू ही बने रहे, मगर उसके बाद रोज रोज की बदतमीजियां, बिला वजह की उदासियां। तब मैंने ये बात जान ली कि बीवी कभी महबूबा नहीं बन सकती। एक बात बताऊं, एक बात, बीवी के अंदर शादी के पहले दिन से माँ बनने का भूत घुस जाता है, और वो जब तक उसको माँ ना बना दे तब तक वो सुकून से नहीं बैठता। इतनी लंबी छोड़ी तकरीर तुमने कर दी है, इसका मकसद क्या है? अरे यार, मकसद यही है कि वो तुम्हारी बीवी होने के साथ साथ एक पैदाइशी माँ भी है। वो बेशक तुम्हारे सामने ये बात वो ना कह रही हो, मगर दर हकीकत वो माँ बनने की ख्वाहिशें फड़फड़ा रही है। मैं तो कहता हूँ यार, डाल दो उसे गोदने बच्चा, सेट हो जाएगी वो। बड़ा बताओ तो हम कैसे लग रहे हैं? खान साहब, नियत खराब हो रहा है हमारा। बड़ा खाना खराब का बच्चा है तुम। क्या खान, तुम खान हो के शर्माता है? इतना तैयार हो के घर से बाहर मत निकला करो, किसी बुढ़ी आंटी की नजर तुझ पे पड़ गई ना तो पूरा निचोड़ लेगी। जाओ बड़ा, तुम कैसी गंदी गंदी बातें करते, तुम्हें शर्म आता है या नहीं? कराची में शर्म वाले का कोई काम नहीं है। खान साहब अभी नया नया आया ना, 1-2 साल रहेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। कहाँ जा रहा है? बेगम साहब को कुछ खरीदारी करनी है, उसके वास्ते जा रहा है। बेगम साहब, ये खरीदारियाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कुछ बोला तो? नहीं खान, तुम जाओ शाबाश। बहुत अच्छे लगते हैं, और ये रंग भी पहना करो। थैंक्स।
हैप्पी एनिवर्सरी। अरे इसे खोलो तो। डायमंड, दुनिया की हर औरत का ख्वाब। ये तुम्हारा ख्याल है। प्लीज देखो आज मेरे अलावा किससे बात मत करो प्लीज। I'd love to जान, लेकिन I'm so sorry, जिन लोगों का फोन आ रहा है उनके साथ एक बहुत बड़ी बिजनेस डील चल रही है और अगर मैंने मिस कर दी तो तुम सोच नहीं सकती। एक्सक्यूज मी, यहाँ सिग्नल कुछ ठीक नहीं आ रहा। हेलो का ऑर्डर दो। इबाद तुम आराम से खाना खाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। निम्रा, निम्रा आ गया है। ये बच्ची सीमा की है ना? सीमा रियाज कहाँ है? अपने घर पे होंगे। तो फिर ये कि ये बच्ची अब हम दोनों की है, मेरी और तुम्हारी, और तुम देखना हम इसे कितने अच्छे तरीके से पालेंगे। और जरा देखो इसे, गौर से देखो, कितनी रिजेम्बलेंस है इसकी तुम्हारे साथ। तो फिर तुम इसे वहीं छोड़ो जहां से तुम इसे लेकर आए हो, क्योंकि मेरा बेबी इससे वही होगा जिसे मैं जन्म दूंगी। इस बच्ची को अच्छे माहौल की जरूरत है निम्रा, इसे हमारी जरूरत है। बड़ी आसान सी ये बात थी बात, मगर तुम समझे नहीं। सारा सोचो निम्रा, ये बच्ची तुम्हारा सारा डिप्रेशन दूर कर देगी। ये इंसान है बात, कम से कम इसे तो दिल बहलाने का खिलौना मत बनाओ। आखिर तुम चाहती क्या हो? फजूल है तुम्हें कुछ समझाना, बस जाओ और इस बच्ची को भी ले जाओ। काश तुमने भी किसी से मोहब्बत की होती। तो फिर तुम जान सकते मेरे भी दिल का हाल। तुमने अपने दो और दो चार के बीच में मेरे अंदर की औरत को तो मार ही दिया। बात बोले बेगम से? हाँ बोलो। औरत के मुंह में सिगरेट अच्छा नहीं लगता,
फिर अब मत पिया करो। हे यू, तुम मेरे ड्राइवर हो, मेरे ड्राइवर ही बन के रहो, मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। जैसा आपका मर्जी बेगम साहब। शुक्रिया बेगम सर। देखो आज तो मैंने तुम्हारी बात मान ली, मगर आइंदा मुझे किसी बात के लिए ऑर्डर मत करना, समझे? दौरान किसी का फोन आया तो आप उसे टाल दीजिएगा। सर अगर फोन आपके घर से हुआ तो? तब तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिएगा। घर के कामों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरा बिजनेस है। घर में जो काम वाम होते हैं वो तो किसी वक्त भी हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है रक्षी? बैठिए, please sit down. सर, आप मेरे काम से सेटिस्फाई तो हैं? सर, आप घर में भी इतने चुप-चुप रहते हैं? घर में भी कहाँ बोल पाता हूँ मैं इतना। निम्रा माशाल्लाह खासी टॉकेटिव है, बोलने का काम सारा वही कर लेते हैं। खैर, तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर में क्या रूटीन होती है तुम्हारी? सर, मैं तो अकेली ही होती हूँ, सिर्फ अम्मी है मेरे साथ। और तुम्हारे वालिद? सर, उनकी तो बहुत पहले डेथ हो चुकी है। ओह, सॉरी। सर, क्या आप अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं? शायद। शायद? मेरा मतलब शायद क्यों? या तो मोहब्बत होती है या तो नहीं होती। हाँ, maybe. लेकिन मैं निम्रा के लिए केयरिंग हूँ, बल्कि बहुत केयरिंग हूँ। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कभी उसके सामने ये दावा नहीं कर सकता कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ मेरा बिजनेस है, मेरा पहला इंटरेस्ट। एक्चुअली मैं बहुत करियर ओरिएंटेड किस्म का बनता हूँ, इसलिए। आपकी बातें बहुत अजीब हैं सर। मैं तो समझती थी कि आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते होंगे। एक्चुअली हम बहुत प्रैक्टिकल दौर की पैदावार हैं। हमें मोहब्बतों की नहीं, हमें अपने मफादात की जरूरत होती है। मगर सर, जिंदगी में एक बार तो क्रश होता है ना? हाँ, शायद ऐसा होता हो। तुम बताओ, तुम्हें किसी पे क्रश हुआ? क्या हुआ, खामोशी हो गई? कुछ नहीं सर।
शोर मत करना, मेरे साथ चलो। फिकर मत करो, तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारे बदले तुम्हारे शोर से पैसे चाहिए। जो है चार दिन की गोली से नहीं मरता, आप बेफिक्र होकर घर चले जाओ, जाओ ना। You will be all right soon, okay? मैं ठीक हूँ बेगम साहब। नहीं तुम चुप करो बेगम साहब, अब जाओ ना यहाँ से, आप घर जाओ। तुम चुप करो, तुम्हारे को ख्याल रखना अपना, okay? You will be fine. Thank you.
देखिए, the demands made in our previous letter have not been honored, and we insist that they should be met with on a professional level and on a moral level also. In other case, we would like to conclude our business with you. Excuse me. Hello? Hi, Nimra. Nimra, I am so damn busy at the moment, I cannot speak to you. Okay. Mujhe kaam. I'll talk to you later. आपके दिल में अपनी वाइफ के लिए थोड़ी भी इम्पोर्टेंस नहीं है। मेरा मसला ये है रक्षित कि मैं काम के आगे किसी चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देता। सर आप इतनी सिगरेट मत पिया कीजिए। Excuse me, मुझे हाँ वहाँ की एडवाइस से बड़ी सख्त नफरत है। तो होती कौन है मुझे ये नसीहत करने वाली? सर मैंने कब कहा कि मैं आपकी कुछ हो? और हाँ, ये सिर्फ एडवाइस नहीं है।